दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो का आज का जो टॉपिक है हमारा, भारत के भूगोल से नदी व जलप्रपात और झील, ठीक। आज हम इनको देखेंगे। निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? तो दोस्तों इनमें से ताप्ती नदी ज्वारनद मुख बनाती है। आप ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न हमेशा आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि ज्वारनद मुख कौन नदियां बनाती हैं। तो याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती ये ज्वारनद मुख बनाती हैं नदियां, बाकी ये सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो बी इसका उत्तर होगा ताप्ती। भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियां समुद्र में मिलने से पहले ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। ताप्ती भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मुलताई पहाड़ी से निकलती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा के लगभग समानांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में एक द्रोणी में प्रवाहित होती है। यह महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं गुजरात के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में गिरती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, अर्थात झील जिले के रूप में जाना जाता है? तो तालों का ताल नैनीताल, याद रखिएगा ए इसका उत्तर है। उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है। यहाँ की सबसे प्रमुख झील नैनी झील है, जिसके नाम पर इस जिले का नाम नैनीताल पड़ा है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जोग जलप्रपात यह शरावती नदी पर स्थित है। शरावती कर्नाटक में शिमोगा जिला है, वहाँ पर शरावती नदी है। इसको जोग जलप्रपात को गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। अभी हाल ही में जब नाम बदला गया, इसका महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया। पहले आप पढ़ते होंगे बचपन में, हम लोग भी किताबों में पढ़ते थे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग या गरसोप्पा, लेकिन इस समय कुचिकल हो गया है, ठीक है। कुचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई लगभग 440 या 450 मीटर के लगभग है, ये सबसे ऊंचा इस समय जलप्रपात हो गया है, ठीक है। जोग जलप्रपात नहीं है, आयोग ने भी कुचिकल को ही माना है, ठीक है। तो आधिकारिक रूप से भी अभी कुचिकल ही चल रहा है। हालांकि अभी आंसर की जब आएगी, री आंसर की आएगी, रिजल्ट के साथ ही आएगी, उसमें क्या आंसर मानता है, अगर डिलीट कर देता है तो इस पर फिर से डिस्कशन करेंगे कि इसे हम मानेंगे ऑथेंटिक स्रोतों के द्वारा। हालांकि यूपीएससी में यदि एग्ज़ाम पूछता है, सेंट्रल के किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, तो आप हमेशा कुंचिकल को ही सबसे ऊंचा जलप्रपात मान के चलेंगे, वही आंसर है। जोग प्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में कावेरी नदी की सहायक शरावती नदी पर स्थित है। यह चार छोटे छोटे प्रपातों राजा, रागेट, रोरर और दाम ब्लाचे से मिलकर बना है। इसका अन्य नाम गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील पूछा है दोस्तों, तो वेम्बनाद झील केरल में स्थित है। ताजे पानी की झील है, सबसे बड़ी भारत की यह झील है। केरल राज्य में अवस्थित वेम्बनाद भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं, जो मछली पकड़ने व नौकायन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसे पुन्नमदा झील भी कहा जाता है। फिर पहला प्रश्न जैसा था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? तो जो नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं वो समुद्र में मिलने से पहले ज्वारनद मुख बनाती हैं। तो इनमें से नर्मदा, हमने बताया नर्मदा ताप्ती जहां पे रहेगा, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, नर्मदा या ताप्ती, ठीक है। तो दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो नर्मदा नदी यहां पर आंसर होगा डी। नर्मदा नदी मालवा पठार की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह अपने मुहाने पर ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। नर्मदा घाटी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों में स्थित है, जबकि अन्य
तीनों नदियां भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर डेल्टा बनाती हैं। देखिए यहाँ कई प्रश्न पूछ सकता है, अमरकंटक पहाड़ी, मालवा पठार, ठीक है, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य सहित पूछ सकता है कि किस किस राज्य में बहती है, तो यह भी आप याद रखिएगा। मध्य भारत से निकलकर यमुना और गंगा, यमुना या गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों बेतवा नदी, यह मध्य भारत से लगभग मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला है वहाँ से यह निकलती है, होशंगाबाद से बहती है, यह यमुना से जाकर मिलती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी पे मिल जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी, बेतवा। पूछता भी है बेतवा किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की। बेतवा यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। हमीरपुर शहर के निकट या यमुना के दाएं तट पर मिलती है। दामोदर नदी को बंगाल का अशोक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, वर्षा ऋतु में बहुत ज्यादा बारिश के कारण इसमें बाढ़ आ जाती है। दोस्तों दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है दामोदर नदी? यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी को बंगाल का अशोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मचाती है। इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। खारी नदी किसके अपवाह तंत्र का अंग है? किसके अपवाह तंत्र का? खारी नदी हालांकि गुजरात में अर्थात पश्चिमी भारत में बहती है, तो बहुत लोग इसको अरब सागर इसमें टिक लगा देंगे, लेकिन यह गलत है दोस्तों। यह पूर्व की दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी के तंत्र का भाग है, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। और चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ठीक, जो कि बंगाल की खाड़ी तंत्र का भाग है, तो डी इसका उत्तर होगा। खारी नदी पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है जो गुजरात राज्य में स्थित मटन मध्य गांव से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है जो गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार खारी नदी भी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का एक अंग है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? दोस्तों तो प्रायद्वीपी भारत अर्थात दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी है, सॉरी गोदावरी है। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं, दक्षिण की गंगा भी या दक्षिण गंगा भी इसको कहा जाता है। प्रायद्वीपी भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है जिसकी कुल लंबाई 1465 65 किलोमीटर है, या महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिणी गंगा तथा वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदियां जहां मिलती हैं इनके संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग स्थान पर आपस में मिलती हैं। इसके पश्चात इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है, अर्थात देवप्रयाग के बाद। देवप्रयाग पंच प्रयागों में से अंतिम है, अन्य प्रयाग में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग हैं। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से पुकारते हैं। बी, भारत में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है जिसे वहां सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यहीं के पास में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम है दोस्तों श्रीहरिकोटा।
ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहां जो जहां पे सतीश धवन अंतरिक्ष संधान केंद्र है, ठीक है, प्रक्षेपण केंद्र है, सॉरी। पूछता भी है कि उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र मिलान करने के लिए आता है तो कहां? श्रीहरिकोटा में। तो इसका उत्तर डी होगा। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में जिसका 97% भाग है, और तमिलनाडु जिसमें 3% भाग है, की सीमा पर स्थित एक छिछली अनूप या लैगून झील है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। श्री हरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्री हरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इसी द्वीप पर ही वो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भारत का स्थित है। अब यहां पर आपको एक आज का जो प्रश्न है आपका, कि दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो हो गई पुलिकट झील, तो सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील कौन सी है, आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रायद्वीपी भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो दोस्तों, पेरियार, ताप्ती और नर्मदा तो पूर्व से पश्चिम की ओर गिरती बहती हैं, और यहाँ पर बंगाल अरब सागर में मिल जाती हैं। लेकिन जो कावेरी नदी है, कृष्णा कावेरी, ये सब नदियाँ ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। तो इसका उत्तर दोस्तों बी होगा, कावेरी नदी। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ पूर्व की ओर, कुछ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, जिनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। वहीं नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इनमें से कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है एवं कावेरी पत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, कयाल क्या है? कयाल है क्या? तो कयाल दोस्तों, अभी आपने केरल के बारे में पढ़ा था, हमने बताया था कयाल यह लैगून झील होती है एक प्रकार की, ठीक है ना, अनूप जिसको बोलते हैं। डी इसका उत्तर है, केरल के लैगून। जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धाराएं, देखिए मुख्य परीक्षा में 20 शब्द में, जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धाराएं या पवनों द्वारा बालू या मिट्टी के अवसादों से निर्मित टीलों के द्वारा स्थलीय जल क्षेत्र समुद्र से अलग हो जाती है तो उसे अनूप कहा जाता है। चिल्का, कोलेरू एवं पुलिकट अनूप झील के प्रमुख उदाहरण हैं। केरल स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है, जैसे पुन्नामद कयाल, अष्टमुदी कयाल, वेम्बानद कयाल, ये सभी। अगला है, सिंधु नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों, मानसरोवर जिसको कैलाश मानसरोवर भी बोलते हैं, मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, तो कैलाश पर्वतमाला से, ठीक है, सी इसका उत्तर है। सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसका अपवाह क्षेत्र 700 किलोमीटर है। पाकिस्तान को सिंचित करते हुए यह मकरान तट पर अरब सागर में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं, अर्थात कौन सा जलप्रपात किस नदी के पर स्थित है? तो हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, एकदम सही है। जोना राहू नदी के पास स्थित है, यह भी सही है। दसोंग जो है यह कांची नदी के मुहाने पर स्थित है, सही है। लोध लोध जलप्रपात बाकर नदी नहीं दोस्तों, बल्कि बूढ़ी नदी या बूढ़ा नदी जिसको बोलते हैं, यह झारखंड में स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, जो लोग झारखंड का एग्जाम देते होंगे उनको पता होगा। तो डी इसका उत्तर है, लोध बाकर यह सही नहीं है। लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाटी जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है या संबोधित किया जाता है? तो जैसा आपको हमने बताया, तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, और बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं, ठीक। तो बी इसका उत्तर है, दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग एवं असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला है, राजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो सबसे पहले तो राजरप्पा क्या है,
बहुत फेमस है दोस्तों, धार्मिक स्थल है। ठीक, यहाँ पर वर्ष भर में एक मेला लगता है या फिर एक ऐसा उत्सव होता है जिसमें विदेश रह रहे यहाँ के स्थानीय लोग भी उसमें आते हैं। मतलब इतना फेमस है, इतना महत्वपूर्ण माना जाता है इसको। तो यह किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दामोदर और भेड़ा नदियों के मध्य संगम पर यह स्थित है राजरप्पा। राजरप्पा झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में दामोदर एवं भैरवी या भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित एक तीर्थस्थल है। अत्यंत प्राचीन माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर एवं रजरप्पा जलप्रपात यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है? तो कहाँ कहाँ से गुजरती है? सबसे पहले तो तिब्बत से निकलेगी ये, ठीक है, सॉरी, तिब्बत से निकलती है अर्थात चाइना में तो रहेगी रहेगी, फिर भारत में आती है और बांग्लादेश। तो इन तीनों से होकर बहती है देशों से। तो सी इसका उत्तर है, 19 का सी, चीन, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, जो भूटान, तिब्बत, चीन, सांगपो, चीन में, अर्थात जो तिब्बत चीन में स्थित है, जिसमें जहाँ पर इसको सांगपो नाम से जाना जाता है, भारत में दिहांग व ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, प्रवाहित होने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, लूनी नदी यह आपके कक्ष के रन तक ही पहुंच पाती है, वहां विलुप्त हो जाती है पहुंचते पहुंचते, ठीक है, अजमेर के आसपास राजस्थान में यह बहती है। तो ए इसका उत्तर है, मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी माना जाता है इसको। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरावली के समानांतर अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होती हुई कक्ष के रन में विलुप्त हो जाती है। अगला है, लोकटक है एक अक्सर पूछा जाता है, लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो यह मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। यहाँ पर केबुल लामजाओ नामक एक अभयारण्य भी है, वन जीव अभयारण्य भी है। तो यह क्या है दोस्तों? लोकटक झील है, सी इसका उत्तर है। लोकटक भारत के मणिपुर राज्य में स्थित एक झील है। कायबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य इसी झील के समीप स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य है, याद रखिएगा, तैरता हुआ पार्क है। यहाँ पर संगाई हिरन पाया जाता है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, कौन सी है दोस्तों? सतुलज, सतलज नदी, ठीक है ना, ये भी मानसरोवर से ही निकलती है। इस पर एक महत्वपूर्ण बांध स्थित है, क्या नाम है उसका? भाखड़ा नागल बांध, सतलुज नदी पे ही स्थित है। तो ए इसका उत्तर है दोस्तों, सतलुज नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित मानसरोवर झील के निकट, राकस ताल, सॉरी, राकस ताल झील से इसका उद्गम होता है, मानसरोवर झील के निकट स्थित है राकस ताल झील दोस्तों, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। प्रसिद्ध भाखड़ा बांध, भाखड़ा नागल जिसको बोलते हैं, इसी नदी पर स्थित है। अगला है, चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है? तो चंबल दोस्तों यह यमुना की सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। डी इसका उत्तर है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? जाना पाव। यह उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी से मिलने से पूर्व मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। इस प्रकार यह नदी तीन राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, याद रखिएगा, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज, ये सब बनाए गए हैं, ये सभी चंबल नदी पे स्थित हैं। सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? या सांभर खारे पानी की जो झील है कहाँ स्थित है? तो यह साबर झील राजस्थान में स्थित है। सांभर झील राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के समीप स्थित एक लवणीय या खारे पानी की झील है। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। इस झील में अरावली पर्वत श्रेणी के शिष्ट चट्टानों व नीस की गर्तों से भरे हुए निक्षेप ही
नमक का प्रमुख स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। लेकिन हम आपको यहाँ पर उत्तर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यह हमने आपको प्रश्न पूछा है, आपके लिए प्रश्न छोड़ा है। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर इसका देंगे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है वह, यह भी आपको हिंट मिल गया। तो आज के लिए इतना ही। पीडीएफ एक साथ हमने जैसा आपको कहा है कि एक एक सेगमेंट का, अभी भूगोल चल रहा है तो इसका दे देंगे। डेली हम तीन तीन वीडियो, कम से कम दो और अधिक से अधिक तीन वीडियो डेली इस पर बनाएंगे। एक मंथ में कवर कर देंगे पूरा जीएस। अभी भूगोल चल रहा है, फिर इसके बाद अर्थव्यवस्था, फिर साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब कवर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो शाम को भी आएगी, उसको भी देख लीजिएगा, आप लोग ग्रुप में शेयर करते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।